जो लोग सक्सेसफुल ट्रेडिंग में उतरना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट तो खैर लॉन्ग टर्म हो गया, पर जो ट्रेडिंग में पर्टिकुलरली उतरना चाहते हैं, उसका सक्सेस मंत्रा क्या है? वो मतलब कितने टाइम पीरियड में कह सकते हैं कि यार मैंने पैसा बना लिया है, मैं सक्सेसफुल हो गया? आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ये नोटिस कीजिए किस कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है। बहुत सारे आजकल लोग फेक इंस्टाग्राम पे प्रॉफिट का वीडियो डाल देते हैं कि मैं 50,000 से डेली 5,000 कमा रहा हूँ, लेकिन कोई इतना बड़ा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने वाला ट्रेडर नहीं है कि मंथली इतना बड़ा रिटर्न निकालता रहे। आप व्यूअर्स को कोई लास्ट 3 टिप्स दें जो उनको ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में हेल्प करें। 5 से 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, आपको यकीन नहीं होगा कि 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने आज रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर ली, किसी भी यंगस्टर की जॉब लगी और वो उसको 30 साल तक भी कंटिन्यू कर गया, वो वहाँ पे उसका 15 से 20 CR की वैल्यू बन गया। लेकिन अगर आप सिर्फ मनी माइंडेड से आ रहे हो कि सिर्फ पैसा फैक्टर है आपके माइंड में, यार मेरे को स्टॉक मार्केट में कोर्स करना है और मेरे को पैसा कमाना है, हो सकता हो जल्दी ना मिले। ऐसा कोई भी कोर्स, मैजिकल कोर्स या कोई भी वर्ल्ड में ऐसा ट्रेडर नहीं है कि जो अपनी स्ट्रेटजी आपके माइंड में डाल देगा। मार्केट के सबसे बड़े मिथ क्या है, मतलब जो लोग दिमाग में मिथ है, मतलब कि अच्छा मार्केट में ऐसा होता है ऐसा ऐसा, जो मिथ्स को हम क्या कैसे डिफाइन करें? सबसे बड़ा मिथ है मार्केट में कि बहुत आसानी से पैसा बन जाता है। मुझे 5 ऐसे स्टॉक बताओ जिनमें अभी आज की डेट में इन्वेस्ट करना है। जी, कम अमाउंट लेकिन गारंटी है कि आज से 3 महीने रिटर्न मिलेगा। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। क्या आप भी 1 साल के अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं, या आप भी कई व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं जहां पे स्टॉक्स और ट्रेडिंग की बात की जाती है? कितना समझते हैं आप स्टॉक्स को, ट्रेड को, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए? भाई मैं इस चीज़ में बहुत कच्चा हूं, इसलिए मेरे शो पे आज हैं ट्रेडिंग गुरुकुल के रविंदर भरद्वाज जी, और उनसे हम डिटेल में बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो पूरे शो को देखना अगर आपको भी इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में और पैसा बनाने में। तो रविंदर सर, वेलकम टू आवर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। मतलब एक बहुत अजीब टॉपिक है, मतलब फ्रेंडली टेलिंग में आपको जो ट्रेडिंग स्टॉक्स, मतलब एज ए लेमन, जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं है जी। मैं इतना ही समझता हूँ कि भाई जो सस्ता दिख रहा हो उसको खरीद लो और एक टाइम पे जब 5-6 रुपये बढ़ जाए तो बेच दो। खैर इस पर बाद में आते हैं, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस लाइन में कैसे आ गए, मतलब आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड इसमें था या आपने? जी नहीं, मैं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा फाइनेंशियल या ऐसा नहीं था। मेरे पापा आर्मी में थे और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो 2006 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, हमारा एक फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप था, तो हम एज ए पीजी में रहते थे। तो वहाँ से मेरे कुछ फ्रेंड्स उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे, तो वहाँ से उनके ट्रेड्स और उनके देखने, उनको देखने के बाद मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगा। तो 2006 के ईयर एंड में मैंने भी अपना फर्स्ट टाइम डीमैट अकाउंट ओपन कराया और मैंने भी स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट से हुई। स्टॉक मार्केट को ना जब मैं देखता हूँ या मेरे लेमन जो देखता है ना उसको वही नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं चिल्ला रहे हैं। जी जी, इसकी शुरुआत कहाँ से, मतलब कौन था वो पहला व्यक्ति जिसने स्टॉक मार्केट बना दिया? देखिए ये हमारी जो स्टॉक मार्केट की स्टार्टिंग हुई, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा, जो आपने बोला चिल्ला रहे हैं, तो पहले सब कुछ मैनुअली होता था। तो 1980 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया, वहाँ पर जो आप जो स्टॉक्स की बाय एंड सेल होती थी वो ऐसे ही कुछ सिग्नल से, जैसे आपने अगर आप वेजिटेबल मार्केट में गए हो वहाँ पे चिल्ला के सब्जी खरीदते हैं बेचते हैं, तो वहाँ पे भी स्टॉक का ऐसे ही एक वेजिटेबल मार्केट काइंड ऑफ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। वहाँ पे लोग ऐसे ही आवाज़ देकर स्टॉक खरीदते थे बेचते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया 1994 में, तो उन्होंने चीज़ों को डिजिटलाइज करना स्टार्ट किया। चीज़ों को डिजिटलाइज करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे पब्लिक वहाँ पे मूव हो गई। तो वर्ल्ड वाइड जो हमारा पहले इंडेक्स वर्ल्ड वाइड देखा जाता था वो होता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स। तो आजकल आप एक नाम सुनते होंगे निफ्टी, जो अब काफ़ी पॉपुलर हो गया है, तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी, जो कि एक बास्केट होता है टॉप 50 कंपनीज का। तो उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने चीज़ों को डिजिटलाइज किया, तो वहाँ पर पब्लिक और वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा हो गया। जैसे कि मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ जी शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए, तो उसमें हमेशा नीचे लिखा आता है आप कोई शेयर खरीदो तो BSE वैल्यू आती है और एक NSE वैल्यू आती है, इसमें क्या अंतर है?
BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो हमारी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारी जो यंगर स्टॉक एक्सचेंज है वो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डिफरेंस इन दोनों में कोई नहीं, डिफरेंस अगर देखेंगे तो भाव किसी भी स्टॉक का सेम आपको दिखेगा, NSE और BSE अंतर दिखता है जब मैं शेयर थोड़ा सा पॉइंट कुछ पैसे का। हाँ। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि पहले सिर्फ हमारे पास एक्सचेंज होती थी BSE, ज्यादातर लोग उसमें काम करते थे। NSE में सब कुछ डिजिटल हुआ तो वॉल्यूम जो आया वो NSE में ज्यादा आया। तो NSE में क्या होता है, बिड और आस्क, खरीदने और बेचने वाले में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम कम है, पार्टिसिपेंट्स कम है उसमें, तो वहां पे वॉल्यूम कम है तो वहां खरीदने वाले और बेचने वाले में डिफरेंस आपको ज्यादा दिखता है, वो माइनर सा दिखेगा, किसी किसी स्टॉक में 10 पैसा तो बेटर क्या रहता है, NSE से लेना कि BSE से? NSE से लेना वहां, क्योंकि लिक्विडिटी वहां पर ज्यादा है। NSE में हम बाय करते हैं तो इंस्टेंट आपको अच्छे भाव पे सौदा मिलता है और एग्जिट करने में भी आपको आसानी होती है, बिकॉज की वहां पे लिक्विडिटी काफी अच्छी है। अगर मैंने BSE से खरीदा हुआ है तो मैं NSE में नहीं बेच सकता? नहीं, बेच सकते हो। अगर आपने NSE से खरीदा हुआ है वो आप BSE में भी बेच सकते हो, BSE वाला NSE में भी बेच सकते हो। एक एक मैं मेरे साथ भी कई बार होता है, लोग अचानक से किसी WhatsApp ग्रुप में ऐड कर देते हैं जी, जो स्टॉक और ट्रेडिंग की बात हो रही जी, या बहुत सारे मैं एड्स भी देखता हूँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे चल रहे हैं, एक साल के अंदर करोड़पति बन जाइए जी स्टॉक से या ट्रेडिंग से। आप करोड़पति बन गए? देखिए, करोड़पति तो ऊपर वाले की दया से बन गए, लेकिन कभी भी इतना फास्ट स्पीड नहीं होती। आजकल जैसे आपने बताया व्हाट्सएप ग्रुप आते हैं, इस तरह की मार्केटिंग होती है, जब भी कोई चीज़ एक पॉपुलर हो जाती है ना, उसके पीछे उतने बड़े स्कैम स्टार्ट हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, नोएडा में किसी ने फेक ट्रेडिंग ऐप की एडवर्टीजमेंट देख के उसमें 7.5 CR ट्रांसफ़र कर दिए, और वो फेक ट्रेडिंग ऐप थी। ऐसे ही सोनीपत सिटी में 75 लाख उन्होंने ट्रांसफर कर दिए फेक ट्रेडिंग ऐप में। तो क्या होता है, जब आप कहीं इजी मनी दिखती है ना, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपको एक स्कैम छुपा होता है। स्टॉक मार्केट आजकल लोगों को लगता है काफी इजी मनी मेकिंग मशीन है, बहुत आसानी से पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी बिजनेस करने से पहले उसके लिए आपको पूरी रिसर्च करनी होती है। अगर आपको किसी बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो दैट मीन्स वहाँ आपको लॉस होना लाजमी है, वो होगा। तो जैसे कि एज ए लेमैन हम देखें, मतलब जब हम कुछ ही खरीदते हैं, जैसे मैं जब खरीदता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा अच्छा बड़े नाम कौन से हैं, अदानी, रिलायंस, टाटा ग्रुप जी, इनके शेयर्स क्या हैं और किसकी वैल्यू पिछले 3 महीने के हिसाब से नीचे चली गई जी। मतलब एक माइंड सेट है कि जब लगता है कि यार नीचे चली गई तो पता है टाटा है, वापस ऊपर इतना तो आ ही जाएगा। तो अगर 100 रुपये नीचे चली गई तो ये अज्यूम कर लेता हूँ कि हाँ भाई अगले 3 महीने में 100 रुपये तो कमा ही लूँगा, उतना डाल देते हैं पैसे जी। तो क्या यही सोच सही है या कुछ और सोच होती है या कुछ और सोच होनी चाहिए? बट ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं ब्रांड की अपनी एक रेपुटेशन होती है। जैसे आपने टाटा ग्रुप का नाम बताया, टाटा ग्रुप ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, सबने पैसा कमाया, लेकिन ऐसा नहीं कि एवरी टाइम ऐसे ही मार्केट चलेगी और इतना ईजी है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना। अगर इतना ईजी होता तो स्टॉक मार्केट में, अगर पीछे सेबी ने डिक्लेरेशन दी थी, 95% लोग पैसा तोड़ते हैं। ट्रेडिंग जो एक डिफरेंट पार्ट है उसमें 99% लोग पैसा तोड़ते हैं। तोड़ना मतलब आप कह रहे हो लॉस कर लेते हैं 99%। 99% ट्रेडिंग में 95% इन्वेस्टर होने के बावजूद। अभी लास्ट 2-3 ईयर से मार्केट का एक अच्छा मोमेंटम चला है तो वो रेशियो अभी 90% के आसपास होगी। लेकिन सिर्फ ऐसा कभी भी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती, रेगुलर उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, अप्स एंड डाउन सभी में आते हैं। और जब कंपनी का एक डाउन मोमेंटम स्टार्ट होता है तो वो स्टॉक प्राइजेस भी नीचे आते हैं। तो एवरी टाइम आप देखोगे मार्केट अभी ऊपर आई है, ठीक है। मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, 2006 से मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट किया था, तो हमें भी ऐसे ही लगता था उस टाइम, मार्केट ऊपर चलती थी, यार ये तो बड़ा इजी गेम है, हम पैसा डालते हैं स्टॉक बढ़ जाते हैं, पैसा बना लेते हैं, कोई जॉब की जरूरत नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करना। तो वो वहाँ पे क्या हुआ, ग्रीड फैक्टर अंदर आ गया। ग्रीड फैक्टर अंदर आया, आपने हर कोई पहले स्टार्टिंग करता है कम कैपिटल से स्टार्ट करता है। सपोज मैंने घर से 1 लाख रुपया लिया था वहाँ, तब उस टाइम पे उसमें से मैंने 40,000 का लैपटॉप में इन्वेस्टमेंट किया था, 60,000 मैंने स्टॉक्स ट्रेडिंग स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो कुछ टाइम मार्केट मेरे फेवर में चली, मैंने पैसा बनाया, तो वहाँ पे एक हैबिट लगी कि यार यहाँ पे और पैसा डालते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया, अपने रिलेटिव से बोरो किया, नियर अबाउट 12 लाख की मेरे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो गई। 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश आया था, तो सिर्फ 3 दिन में मेरा पैसा जो 12 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, हार्डली उसमें 1 लाख रुपए बचा था, और वो भी ईयर एंड तक उसमें से सिर्फ 20,000 का पे आउट मैं ले पाया था अकाउंट से। और उसमें आपके काफ़ी ब्रांडेड स्टॉक्स थे,
रिलायंस ग्रुप के भी स्टॉक थे, दूसरी और भी कंपनी थी, जेपी ग्रुप भी थी, और इवन वो स्टॉक आज 2024 में हम बैठे हैं, 2008 से लेके अब तक वो स्टॉक वापस 16 साल पुराने भाव पर नहीं आए। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को ये समझना होगा, कंपलसरी नहीं है कि वो भाव हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि स्टॉक प्राइजेस रिलेट करते हैं कंपनी से। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो शेयर प्राइजेस भी ऊपर नहीं आएंगे। कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, कंपनी पैसा बनाएगी, तो स्टॉक्स भी ऊपर आएंगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट को समझना होगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं स्टॉक की, बहुत सारे लोग नहीं समझते कि स्टॉक मार्केट क्या है। वो सिंपल, किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, वो वहाँ से कहीं ना कहीं से टिप्स लेके मेरे फ्रेंड ने बताया, सजेस्ट किया, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट की जर्नी उनकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप कभी भी देखिए, जैसे आप सपोज बिजनेस करते हैं, ठीक है, आप किसका पार्टनर बनना चाहेंगे, जो ऑलरेडी नॉलेजेबल हो, जिसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही हो, इस्टेब्लिश्ड हो, पैसा बना रहा हो, प्रॉफिटेबल उसका स्टार्टअप हो या उसका बिजनेस हो। तो ऐसे ही जब भी हम किसी कंपनी का स्टॉक लेते हैं तो वहाँ पे हमारी ओनरशिप आ जाती है। आपने सपोज 100 शेयर्स लिए टाटा के, तो आप वहाँ पे ओनर हो गए। दैट मीन चाहे आपकी परसेंटेज 0.00001 है, आप कंपनी में ओनरशिप ओन कर रहे हैं, तो टाटा ग्रुप अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, साथ में आपकी ग्रोथ भी होगी। जैसे टाटा बढ़ेगा तो आपकी ग्रोथ भी होगी, कंपनी बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड होती है स्टॉक से। तो अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, दैट मीन्स आप भी अच्छा काम कर रहे हो। कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी तो स्टॉक भाव, स्टॉक प्राइसेस नीचे जाएंगे, आपके जो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी नीचे आ जाएगी। जो जो कहते हैं कि बबल, जो डेली इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि बबल को ऑब्जर्व करो, बबल जी कब फटने वाला है जी, ये बबल क्या चीज है ट्रेडिंग मार्केट? बबल सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कंपनी है, ठीक है, सपोज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कमाए 10 CR, नेक्स्ट क्वार्टर में कमाए 11 CR, उससे नेक्स्ट क्वार्टर में सेम 11 CR, दैट मीन्स वो सस्टेन है, कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम स्टॉक भाव देखें, उस कंपनी का स्टॉक आज 200 रुपये पे था और एक साल में वो 500, 2000, 3000, 5000 ऐसे हो गया, तो उसका कोई रीज़न नहीं है बढ़ने का। कंपनी कहीं पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कंपनी के ऑर्डर बुक इतनी कुछ अच्छी खास नहीं है, कंपनी के मार्जिन नहीं बढ़े, कंपनी ने कोई आउटलुक ऐसा नहीं दिया है, तो दैट मीन्स उस स्टॉक में एक बबल मैनिपुलेशन चल रही है, जिसको इन्वेस्टर या ट्रेडर लोग ऑपरेटर भी बोलते हैं। अच्छा, क्या होता है, कोई ग्रुप उस स्टॉक को बढ़ा रहा है, फिर क्या होगा, उस स्टॉक की ही आपको कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स में उस स्टॉक की प्रमोशन दिखेगी। दैट मीन्स जिन लोगों ने सस्ते भाव से खरीद के उनको बढ़ाया है, उनको एग्जिट करने के लिए भी तो बायर चाहिए। 200 रुपये का स्टॉक अगर 3000 रुपये हो गया, तो 3000 रुपये खरीदने के लिए भी कोई रीजन चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से उस कंपनी की स्टोरी मार्केट में फ्लोट करने लग जाती है कि ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, यहाँ पे ले। तो दैट मीन्स उन्होंने एक बबल बनाया था, ऊपर के भाव पे उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर को, हम जैसे इन्वेस्टर को बेच दिया, उसके बाद उनकी डिमांड हट गई और भाव क्रैश कर जाता। अच्छा। तो जैसे रिसेंटली अभी अदानी स्टॉक्स में हुआ था, अदानी की कुछ कंपनी 20 रुपये का स्टॉक 4000 रुपये का हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। जैसे ही अदानी ग्रुप्स में फिर वो स्कैम वाली न्यूज आई, वो 4000 से डायरेक्ट 600 रुपये पे भी आ गया, तो वो एक बबल था। तो जैसे कि मान लो 4000 पे था, इन्फॉर्मेशन लग रहा है मैं क्या ये चला जाएगा, मैं 20 रुपये पे लिया था, मैं 4000 पे बैठा हूँ, तो मैं तो बेच ही सकता हूँ, बेच दिया मैंने आज जी, उसमें कोई नुकसान? आपने चाहे बबल में लिया, आपने बबल में भी ऐसा नहीं कि कोई पैसा नहीं बनाता है। आपने अगर आपने कहीं पे भी बाय की और भाव बढ़ गया, दैट मींस आपका तो पैसा बना है। मैं एक बुक पढ़ रहा था स्टॉक्स रिलेटेड, तो उसमें था वो कुछ ट्यूब्स को देखते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट क्या, मतलब मैंने ना उसका पूरा चैप्टर पढ़ा, बड़ी फेमस सी बुक है, और मैं बहुत समझने की कोशिश करता रहा, फिर मैंने पेटीएम के ग्राफ निकाले, मैं उसमें कैंडल ढूंढता रहा, पर मेरे दिमाग से ऊपर से निकल गया। मैंने कही कैंडल समझ में नहीं आ। टेक्निकल एनालिसिस होता है, मैं भी टेक्निकल एनालिसिस ही देखता हूं, जो भी मेरी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट होती है उसके पीछे। थोड़ा व्यूअर्स को कैंडल के बारे में बताओ, कैंडल बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे समझ में आया उस चैप्टर को पढ़ के कि अगर आप कैंडल समझ गए ना तो आप बबल पकड़ लोगे। कैंडल में क्या होता है ना, कैंडल से अगर आपको कैंडल्स अच्छे से समझना आ गया, तो कैंडल में सब कुछ है, कैंडल में इमोशंस भी है, कैंडल में फियर भी है, कैंडल में साइकोलॉजी भी है, और कैंडल में आपको प्रीवियस हिस्ट्री भी मिलती है, तो प्रीवियस डेटा भी है। दैट मींस वो डेटा आपको क्या शो करता है, दैट मींस पर्टिकुलर मार्केट का या पर्टिकुलर स्टॉक का क्या बिहेवियर रहा है, किस तरह की कैंडल बनती है, कब स्टॉक चलता है, किस तरह के पैटर्न पे स्टॉक गिरता है, तो वो सारी चीजें हमें कैंडल में मिलती है।
तो कैंडल पढ़ने से हमें एक टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है। जैसे कैंडल, अगर जो कोई कैंडल देखता है, आपने अगर देखा आपको नहीं समझ में आया, हम 16 साल से कैंडल देख रहे हैं तो हम कुछ सेकंड में चार्ट देख लेते हैं। वो ऐसे ही जैसे डॉक्टर के पास आप जाओ, एक ECG रिपोर्ट देखो, डॉक्टर क्या करता है, ऐसे लाइट के सामने क्या रिपोर्ट कर देता है, उनको सडनली पता लग जाता है। तो कैंडलस्टिक ऐसी चीज है, मैं आपके व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कैंडलस्टिक अच्छे से फोकस करें, किसी टिप्स के भरोसे ना रहें। कैंडलस्टिक में आप ऐसी चीजें देख सकते हैं, किसी कंपनी के फंडामेंटल भी खराब होने वाले हैं या कुछ कंपनी में गड़बड़ होने वाली है, तो सबसे पहला सिग्नल भी टेक्निकल एनालिसिस में मिलेगा। तो कैंडल्स में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दो तरीके की कैंडल दिखती है, ग्रीन और रेड, ठीक है। तो कैंडल में आपको एक पोर्शन दिखता होगा हैवी पोर्शन, जिसमें ग्रीन कलर फील्ड है, एक पोर्शन में रेड कलर फील्ड है, ठीक। ऊपर में आपको छोटी लाइन दिखती होगी, उनको हम बोलते हैं विक। तो जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में होता क्या है, जो बॉडी है, तो नीचे वाला बॉडी का पार्ट है ओपनिंग प्राइस और बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है क्लोजिंग प्राइस। और ऊपर और जो नीचे है वो है लो और हाई। दैट मींस अगर मैं इसको एज्यूम करूं, ये 10 रुपए की रेंज है। आज स्टॉक 105 रुपए पर ओपन हुआ, 101 रुपए तक गया और 115 तक ऊपर गया और 110 पे क्लोज हो गया। दैट मींस 5 रुपए की तो बॉडी होगी और जो ऊपर 115 और 101 रुपए का हाई और लो रहेगा। ऐसे ही रेड कैंडल में रिवर्स हो जाता है। रेड कैंडल कलर कब बनता है, जब ओपनिंग भाव से नीचे आता है। सपोज ये स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ 110 रुपए पे, गया 101 पे, गया 101 पे, क्लोजिंग हो गया 105 पे, दैट मींस 5 रुपए का रेड बॉडी हो गया। हाई लो सेम है दोनों कैंडल में, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग कैंडल्स होती है जिनको हम, तो थोड़ा इस कैंडल को देख के मुझे कब शेयर लेना चाहिए, उसमें मैं पढ़ रहा था कि 2 या 3 आपको ग्रीन कैंडल्स मिल जाए तो आपको खरीद लेना चाहिए, या 2 रेड आ जाए तो ऐसा कोई 100% थ्योरी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि 3 कैंडल बने आप बाय कर लो, 2 कैंडल रेड बने आप सेल कर लो। ये अलग अलग टाइम पे आपको, एक क्या होता है, कैंडल का मतलब होता है वो पूरा प्राइस है, वो प्राइस एक्शन आपको पढ़ना है। कैंडल के अंदर ही साइकोलॉजी छुपी होती है, कैंडल के अंदर ही ग्रीड छुपा होता है। तो ऐसी कोई भी 100% प्रूवन स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि 3 कैंडल के ऊपर निकले, या बहुत सारे लोग सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न समझते हैं। जैसे जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया तो हमें भी, मैंने वीकली लाखों में भी पे किया सीखने के लिए, तो वहाँ पे भी सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न किसी ने बताया, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न 100% काम नहीं करता। काम क्या करता है, प्राइस एक्शन। दैट मींस आपको भाव को पढ़ना आना चाहिए, उन वो सब कैंडल्स में ही आपको मिलेगा। तो उसकी एक एडवांस स्टडी होती है। ओके, तो मतलब जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं वो तो पैसा बना ही लेते होंगे। देखिए, एक्सपर्ट बनने के लिए भी जर्नी काफ़ी लंबी रहती है। मैं आपको बताया, 2006 से स्टार्ट किया, 2008 में काफ़ी लॉस हुआ, और इतना बड़ा एक स्टूडेंट लाइफ में लॉस होने के बाद कॉन्फिडेंस बचता नहीं है। तो उसके बाद लेकिन क्या होता है, पैशन होता है किसी चीज़ के लिए। तो वो पैशन मेरे अंदर था कि मुझे लगा कि जब मैंने वो स्टॉक खरीदा तो मैं क्या रीज़न रहा, किसी ने उसको सेल भी किया, दैट मीन्स मैंने खरीदा, किसी ने बेचा भी होगा तभी मैंने खरीदा, और वो नीचे ही क्यों गए और मैं एग्जिट क्यों नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सालों तक सीखता रहा। 2008 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट सीखा, मैं सिंगापुर भी सीखा, USA से इंस्ट्रक्टर आए, उनसे भी सीखा, काफ़ी इन्वेस्ट किया उस पर। 2013 से मैं फ्री फ्लो में एक ट्रेडिंग करने लगा। दैट मीन्स वो 5 साल मेरा एक लर्निंग प्रोसेस रहा, और जो अंदर लॉस की वजह से अंदर एक डर बन गया था उसको निकालने में, वो कॉन्फिडेंस वापस रीबिल्ड करने में, लेकिन वो मेरे लिए वर्थ था, वो मेरे लिए एक्सपेंस नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट था। क्योंकि उसके बाद ही मैंने जो मेरा एक ड्रीम लाइफस्टाइल था वो मैंने ट्रेडिंग से ही बनाया। तो जो आपका ट्रेडिंग गुरुकुल है जी, इसमें आप क्या करते हैं, आप ट्रेडिंग सिखाते हैं या लोगों के अकाउंट्स मैनेज करते हैं? जी, हम इसमें ट्रेडिंग गुरुकुल का हमने स्टार्ट किया 2018 में। कुछ जैसे हमारे, मैंने 2008 से एक हमने इन्वेस्टमेंट ऑफिस भी स्टार्ट किया जिसमें हम क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करते थे। तो जब मैं पैसा मैनेज करता था, कुछ लोग मेरे पास आने लगे कि सर हम भी जैसे आप ट्रेड करते हो हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो फिर एक ट्रेडिंग ट्रेडर्स कम्युनिटी की हेल्प के लिए मैंने वहाँ पे सिखाना स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 वो चीज़ बड़ी होती गई। और सिखाना एक ऐसी चीज़ है, जितना आप सिखाते रहते हो, किसी एक फील्ड में टच में रहते हो, उतना ही कहीं ना कहीं आप एक एक्स्ट्रा एज पे रहते हो, अपनी ही स्किल्स को शार्प करते रहते हो। तो उससे मुझे खुद भी हेल्प मिलती है और ट्रेडर्स को भी हेल्प मिलती है। तो मतलब सिखाते हो भी? जी, अभी हम सिखाते भी हैं और खुद की ट्रेडिंग भी करते हैं, और लोगों के अकाउंट्स मैनेज भी करते हैं। लोगों के अकाउंट्स भी मैनेज करते हैं,
फंड मैनेजर। तो सिखाने वाले कैसे, आप ऑनलाइन सिखाते हैं कैसे? हम, हमारा वर्टिकल है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। अभी हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है सोनीपत हरियाणा में है, और ऑनलाइन हम जूम पे हम कोर्सेज करते हैं। जिन जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं गुड़गांव से है, मुंबई से है, वो सीखना चाहते हैं तो वो हम जूम। मेरी क्यूरियोसिटी पे मतलब मैं भी शायद सीखना चाहूँ तो क्या चार्ज करते हैं और क्या फीस अगर होती है? कोर्सेज अलग अलग है, लेकिन जो हमने एक प्रो ट्रेडर कोर्स अपना बनाया है जिसमें हम, जैसे मैंने बताया, प्राइस एक्शन और एडवांस ट्रेडिंग और स्ट्रेटजीज और एनालिसिस, उसका हमने एक नॉमिनल फी रखा है 20,000। अच्छा। वो 20,000 ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्सपेंसिव है। ये सब चीज सीखने के लिए हमने लाखों पैसे दिए हैं और सालों की मेहनत की है, लेकिन मैंने अपने कोर्स में क्या किया, उन चीज़ों को फिल्टर कर दिया है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 8 से 10 इंस्ट्रक्टर से मैंने सीखा। कुछ चीज़ें मार्केट में काम करती हैं और कुछ चीज़ें नहीं करती, तो जो चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस है तो ये नहीं करती, मैंने वो कोर्स से आउट कर दिया। बेवजह कोर्स को लंबा बनाना या फालतू की चीज़ें आपको सिखाना, आपका भी टाइम वेस्ट है। तो जो चीज़ें एक्चुअल में काम करती हैं हम वो सिखाते हैं, लाइव मार्केट में सिखाते हैं, लाइव ट्रेड देते हैं और लाइव ट्रेड लेते हैं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। क्योंकि देखिए, लाइफ में सीखने का दो ही चीज़ें हैं, अगर आप या तो खुद गलती करो फिर सीखो, उसमें आपको टाइम लगेगा, या फिर किसी के एक्सपीरियंस से जल्दी सीखो, वो सबसे जल्दी सीखने खत्म हुई। तो जैसे कि इसमें जो आप लोगों के अकाउंट मैनेज करते हो जी, अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो मतलब बिजनेस मैन हो गए या कोई बिजनेस फ्रेटर्निटी हो गए जो अपने लाखों में आपको करेंगे, भाई मैं दिन का लाखों का इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको आप मैनेज कर। जी। फिर कुछ होते हैं जैसे आजकल हाउस वाइफ्स भी, और लोग जो जॉब भी कर रहे हैं वो छुटपुट करते रहते हैं, दिन का 1,000 रुपये डाल दिया या महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस टाइप के अकाउंट जो आप मैनेज करते हो? नहीं देखिए, हाँ, जो अकाउंट हम मैनेज करते हैं वो हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, उसमें मिनिमम टिकट साइज होता है, आज सेबी ने वो कर दिया, वो 50 लाख का होता है, 50 लाख वो हम मैनेज करेंगे। उसके अलावा फिर हमारी एडवाइजरी सर्विस है, दैट मीन्स आप मैनेज कर रहे हो तो उसमें हम एडवाइज करते हैं आपको यहाँ खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो हम आपको सजेस्ट करते हैं, उसमें पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है तो वो हम सब बताते हैं। उसका क्या चार्ज करते हो? उसका कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फ्री ऑफ चार्ज। हाँ, तो जो मतलब नॉर्मल घरों के हिसाब से कर रहे हैं, जी, कर रहे हैं, वो एटलीस्ट आपसे एडवाइस ले सकते हैं। जी, बेसिकली वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक मैंने खुद भी देखा, जब मैं मार्केट में एंटर किया मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं थी स्टॉक मार्केट की, और आप मिस्टेक करोगे ही करोगे, वो लॉस होगा, तो वो लॉस होने से बेटर है आप किसी अच्छे मेंटोर से गाइडेंस लेके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो और सीख के स्टार्ट करो, ताकि, क्योंकि पैसा एक बहुत हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। बिल्कुल। तो आप उसको इतनी आसानी से टेबल पे मत रखो, वो जब, क्योंकि मार्केट में लॉस होता है तो वो सडनली इतना बड़ा लॉस होता है कि आप एक कॉन्फिडेंस आपका निकल जाता है, वापिस आने में भी घबराते हैं। ऐसी कौन सी हिडन जेम है, मतलब कि जो कुछ लोग ट्रेडिंग में एकदम से चमक जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, या कुछ मीडिया को रह, मेरे ऐसे लोग मीडिया को नहीं रह जाते? देखिए, एक मैं दो चीज़ें क्लियर करता हूँ, एक इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे मैंने बताया आप कंपनी में ओनरशिप ऑन करते हो, आपने किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक लिए, वो आपने लॉन्ग टर्म रखे, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो आपने उसमें कोई मेहनत नहीं की, आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपने अच्छी कंपनी की सपोर्ट, वो इन्वेस्टमेंट है, तो आपने उसमें कोई टाइम नहीं दिया, आपने आपका उसमें टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, आपने राइट टाइम पे राइट स्टॉक पिक किया, ठीक है। फिर दूसरा जो आजकल पॉपुलर है ट्रेडिंग, उसमें क्या फर्क है? ट्रेडिंग प्योर स्किल है, ठीक है। स्किल, कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, इंस्टेंट बाय इंस्टेंट सेल, विद इन सेकेंड्स और मिनट्स वो ट्रेड करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, आज खरीदा आज बेचा, कुछ लोग मोमेंटम ट्रेड करते हैं कि आज खरीदा 2-3 दिन जैसे स्टॉक या मार्केट का मोमेंटम रहा 2-4 दिन में प्रॉफिट लेके निकल गए। तो इन्वेस्टमेंट में क्या, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, कंपनी की मैनेजमेंट देखनी है, अच्छी कंपनी देखनी है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म रहे। लेकिन ट्रेडिंग में आपका स्किल होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस पे, साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। ये ट्रेडिंग में, मतलब मैं अपने हिसाब से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मान ली मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा, जी, ठीक है, मैंने 100 रुपये के 5 खरीद लिए, 10 जितने भी खरीदता हूँ, पर एक शेयर 100 रुपये का था जी, मुझे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अब शाम को होते होते मान लो 105 हो गया, ठीक है,
तो मुझे क्या बेच देना चाहिए, या मुझे वेट करना चाहिए क्या वो 150 हो जाए या 160 हो जाए या 170 हो जाए या मतलब एक रेंज क्या है, मतलब किस रेंज पे आके मैं सोचती कि अच्छा मैं इसको बेच दूं उसके लिए मैं ट्रेडिंग के पर्पस से सोच रहा हूं, इन्वेस्टमेंट नहीं कि मैं वेट करता रहूंगा कि चलता रहे। दैट मींस आपको ट्रेडिंग पर्पस से सोच रहे हो तो दैट मींस आपको टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना पड़ेगा, वहां पे प्राइस एक्शन पढ़ना पड़ेगा कि सपोज आपने दो एग्जांपल दिए कि 100 रुपए वाला मैं 105 में बेचूं 150 में, तो दैट मींस 100 रुपए वाला स्टॉक 150 सेम डे तो होगा नहीं, तो दैट मींस आप उसको लॉन्ग टर्म ट्रेड भी ले रहे हो। 100 रुपए वाला 105 रुपए सेम डे हो सकता है, दैट मींस वो आपकी इंट्राडे ट्रेड होगी। नहीं मैं करूं, आपने कहा 3 दिन तक वेट करना है, जी मैं कट ऑफ लेके चलता हूँ, 3 दिन बाद तो मैं कोई भी शेयर बेच ही दूंगा जी, मैं ट्रेडिंग लेके चल रहा हूँ जी, पर 3 दिन के बाद मुझे कितना अज्यूम मतलब कितना परसेंट राइज पे मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट मिल गया। सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऐसा नहीं है, हो सकता 3 दिन में वो 10% भी बढ़े 20% भी बढ़े, उसके लिए आपको उसका मोमेंटम ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। सपोज 3 दिन वो ऊपर ही रहा स्टॉक, आज भी 2% ऊपर था, 3 दिन सपोज उसका परसेंट, हो सकता है आपने 100 रुपए वाला 110 रुपए में निकाल दिया, लेकिन सम टाइम्स होता है कि आपने 3 दिन के लिए सोचा था लेकिन सेकंड डे उसने कोई ऐसा पैटर्न बनाया कि आपको एग्जिट बोल रहा है स्टॉक, वो 100 रुपए वाला 106 रुपए है, तो आप उसको 106 पे निकालो, 110 का वेट मत करो। तो दैट मीन्स अगर भाव आपको एंट्री के लिए बोल रहा है एंट्री करो, एग्जिट के लिए बोल रहा है एग्जिट करो, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प चाहिए होती है। ओके, और मार्केट के सबसे बड़े मिथ क्या है, मतलब जो लोग दिमाग में मिथ है, मतलब कि अच्छा मार्केट में ऐसा होता है ऐसा ऐसा, जो मिथ्स को हम क्या कैसे डिफाइन करें। सबसे बड़ा मिथ है मार्केट में कि बहुत आसानी से पैसा बन जाता है, ठीक है, पैसा आसानी से बनता है या तो आपके अंदर, मैंने बताया इन्वेस्टमेंट, आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन, जैसे हम पुराने इन्वेस्टर के हम एग्जाम्पल लेते हैं, झुनझुनवाला साहब जो अभी हमारे बीच में, ठीक है, रामदेव अग्रवाल साहब, हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर है जो पॉपुलर है जिन्होंने बिलियंस में पैसे बनाए हैं, वॉरेन बफे साहब, अब उन्होंने पैसे बनाए, अब वहाँ पे उनका पेशेंस और डिसिप्लिन देखिए, वॉरेन बफे साहब 11 साल के थे तब से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ कंपनीज को उन्होंने आज तक नहीं निकाला है। राकेश झुनझुनवाला जी ने नियर अबाउट 2000 में, सन 2000 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर लिए थे जो आज उनकी सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन कंपनी है, उसका हम एक आफ्टर डिविडेंड और डिमर्जर भाव लगाए तो शायद 2 या 20 रुपए के आसपास उन्होंने लिया था, जिसका भाव आज 4000 रुपए है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता, आपने अगर कोई 20 रुपए का शेयर लिया वो 50, 60, 70, 80 हो गया वो आप निकाल दोगे। दैट मींस उन्होंने क्या किया, पेशेंस भी दिखाया, डिसिप्लिन भी दिखाया, तो उनकी वेल्थ आज हमें दिख रही है लेकिन उसमें एक सिंगल कंपनी में वो 24 साल से इन्वेस्टेड है, और कुछ ऐसी कंपनी है जो उन्होंने 1995 से भी ली हुई है, तो उन लोगों का पैसा बना, वो आज हमें इजी लगता है यार इन्होंने किया क्या, इन्होंने बस लेके होल्ड किया, लेकिन वहां पे उनका स्टॉक सिलेक्शन ऐसा नहीं है। राकेश झुनझुनवाला जी ने सैकड़ों कंपनीज में इन्वेस्ट किया लेकिन जो उनकी टॉप वेल्थ क्रिएशन कंपनी रही हार्डली 10 कंपनीज रही, कुछ कंपनीज में उनको भी लॉस हुआ, लेकिन पैसा बना पेशेंस से और डिसिप्लिन से। फिर दूसरा है ट्रेडिंग, जिससे आजकल का यंगस्टर्स की ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनेगा, ठीक है, जो आजकल आपने सुना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग 10 रुपए वाला चीज हो गया 100 रुपए और इस तरह के, तो उसमें क्या आपको स्किल चाहिए और पैसे को कंपाउंड करना आना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे पेज चले हुए हैं कि ये आप 50,000 रुपए लगाओ डेली के, 10,000 रुपए कमाओ, ये मैं स्पेशल यंगस्टर्स को बोलना चाहूंगा ऐसे इन किसी स्कैम्स में या ऐसे बहकावे में ना आए, कंसिस्टेंटली इतना बड़ा रिटर्न नहीं आता। आपने दैट मींस आप 50,000 रुपए लगा रहे हैं और डेली का 10,000 रुपए के आप एग्जांपल सेट कर रहे हैं, दैट मींस ट्रेडिंग में 20 दिन सेशन है, तो दैट मींस 50,000 से आप 400% का रिटर्न पॉसिबल नहीं, कंसिस्टेंट वो आ ही नहीं सकता। वॉरेन बफे का जो आज जहां पर है उनका CAGR कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रिटर्न ऑलमोस्ट 20% है, साल का 20%, और हमारा यूथ सोचता मैं डेली का 20%, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। उसके लिए तो आपको इतनी एडवांस स्किल चाहिए, और वो भी कोई लाखों करोड़ों में से एक ट्रेडर, वो मैं नहीं कहता नहीं निकाल पाता, वो लाखों करोड़ों में से शायद एक लोग वो निकाल पाए, और वो भी बड़ी कैपिटल होने के बाद वो भी नहीं होगा, छोटी कैपिटल से हो सकता कुछ महीने किया। तो उसके लिए मेरी एडवाइस है, अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो सबसे पहले स्किल पे फोकस कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, किसी के अंदर नेचुरल स्किल होती है जल्दी डेवलप हो जाती है, किसी को टाइम लगता है, और पैसे को आप परसेंटेज में सोचना स्टार्ट कीजिए। सपोज आपके पास 50,000 रुपए है, आप स्टार्टिंग में एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मैं 5% महीने का कमाऊंगा,
साल का हो गया 60%, बैंक में आप पैसा रखते हो 7% मिलता है, महीने का 5% आप निकाल सकते हो, आपने ठीक ठाक स्किल डेवलप की और वो इजी भी है। लेकिन यंगस्टर्स को वो रिटर्न कम लगता है, यार मैंने 50,000 या 1,00,000 लगाया, मैं महीने का 5,000 रुपए कमा के क्या करूँगा। लेकिन आप उसके पीछे कंपाउंडेड का अगर मैजिक समझ जाए, कंपाउंडिंग मैजिक, पैसे को उसी पैसे को एवरी मंथ 5%, तो वो अगर आपने आज 1,00,000 रुपए से स्टार्टिंग किए, 5 साल के बाद वो करोड़ों में होगा, 10 साल में वो कई करोड़ों में, कई 100 करोड़ों में होगा, सिर्फ 1,00,000 रुपए। तो पेशेंस और डिसिप्लिन वहां भी आपको देना पड़ा है। एक चीज और, जो यंगस्टर्स का तो मैं नहीं कहूंगा, पर जो मेरे टाइप के एज के लोग हैं, हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि हमारे लिए नया है जी, और जो हमारी ट्रेडिशनल थी कि LIC की पॉलिसी ले लो जी, ICICI की पॉलिसी ले लो जी, वो भी कहते हैं हम म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, तो उसमें क्या अंतर है, क्या क्या बेटर है? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा, हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा अगर पैसा टूटा है ना, वो LIC जैसी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने से टूटा है। LIC के आसपास आज के टाइम में ऑलमोस्ट 40-50 लाख करोड़ की एसेट होगी, वो सब हम लोगों का ही पैसा है जो हमने LIC में इन्वेस्ट किया। हार्डली उसमें 90% ट्रेडिशनल पॉलिसी होंगी, जो जिसका रिटर्न एवरेज में 6% से, बैंक FD से भी नीचे ही रहता है उनका रिटर्न। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो इंडेक्स है जिसकी मैं बात करता हूँ, निफ्टी सेंसेक्स, उसका एवरेज CAGR है 16%, 16-17% के आसपास का, मैं कोई भी पीरियड लूँ, 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल, और LIC का रिटर्न है 6% के आसपास। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर LIC, जनरली LIC वो लोग कराते हैं या तो जिनको लाइफ रिस्क कवर करने के लिए, या फिर ATC 1,50,000 रुपए का जो हम टैक्स, वो तो बच्चों की ट्यूशन फीस में खत्म हो जाता है, वो कुछ वहां पे करा देते हैं। तो वहां पर देखिए, सपोज मैंने 1,50,000 का है, हम एग्जांपल लेते हैं, 1,50,000 का LIC कराया और मैंने 20 साल तक चलाया, ठीक है, 20 साल तक चलाया, तो मेरा पैसा 30,00,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट हुआ। LIC में एवरेज आती है हार्डली वो आपको 60,00,000 रुपए के आसपास देते हैं। वही पैसा आपने सिर्फ इंडेक्स में भी डाल दिया, आप निफ्टी 20 भी लेते रहे, ETF होता है जिसको, अगर निफ्टी डायरेक्ट खरीदना है, आप वो पैसा वहां डालते रहे और सेम ड्यूरेशन रखा, वही सेम 30,00,000 रुपए आपने उसमें डाला, तो वो पैसा आपका मोर देन 3 CR हो जाएगा। फिर बात ये आती है कि लेकिन LIC तो हमें रिस्क कवर देता है, रिस्क कवर आपको कितना देगा, आपने 1,50,000 रुपए का अगर LIC में डाल रहे हो तो आपको 20 times देगा, दैट मीन 30,00,000। लेकिन 30,00,000 आज किसी के लिए, किसी फैमिली के लिए इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है कि 30,00,000, भगवान ना करे CR छोड़ दे। लेकिन उसके लिए आप साल का 10,000 रुपए देके 1 CR या 2 CR का एक टर्म इंश्योरेंस रखो। तो फाइनेंस को हमें समझना पड़ेगा, पैसा कहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग होती है ना, 1% मैटर करता है, तो हमें वो देखना होता है कहाँ पे मुझे 7% मिल रहा है, कहाँ पे 9% मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बहुत कमाल की चीज है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जोर शोर से आ चुका है जी, मतलब कंपनी में बड़े बड़े एनालिसिस हो रहे हैं, और किसी कंपनी को अपना डेटा फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना है तो वो AI से थ्रू फ्यूचर डेटा तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं जी। तो हम स्टॉक में क्यों नहीं यूज कर सकते या करते हैं? देखिए, स्टॉक में भी आजकल लोग करने लगे हैं, जिसको आपने अगर एक वर्ड सुना होगा, एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, वो भी एक काइंड ऑफ AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन AI को बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। तो जो आप सोचते हैं, जैसे कुछ ट्रेडर्स होते हैं, उनका एक फिक्स पैटर्न होता है कि जब ऐसा मार्केट में सेटअप बने तो मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, उनको पहले पूरा टाइम स्क्रीन पे बैठा रहना पड़ता था, लेकिन आजकल AI आने से क्या हो गया, उन्होंने वो अपनी स्ट्रेटजीज जनरेट कर ली है, कोडिंग करा के वो डिप्लॉय कर देते हैं अकाउंट में। अब जैसे ही वो पैटर्न बनेगा, वो उनकी ट्रेड हो जाएगी, एंट्री और एग्जिट सिस्टम कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रेटजी ट्रेडर नहीं बनाई है। तो कोई ऐसे AI टूल्स हैं मार्केट में बेस्ट अवेलेबल, जिनको यूज करके लोग? काफी सारे टूल्स हैं, लेकिन देखिए 100% प्रूवन टूल्स नहीं होता हर किसी में। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं एल्गो ट्रेडिंग के लिए भी, ट्रेडट्रॉन है और इस तरह के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे ये स्ट्रेटजीज अवेलेबल रहती है, लेकिन कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होगी जिसपे 100% की हर बार प्रॉफिट ही आए। आपने सपोज 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में से आपका पहली 3 ट्रेड में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, दूसरी स्ट्रेटजी पे जंप कर दोगे। तो स्ट्रेटजी भी चेक करने के लिए आपको उसको 3-6 महीने देना होता है कि ये वाली स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही है, या इसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो पहले आपको खुद समझना होगा चीजों को, तब आप इन चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
तो आप लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग गुरुकुल में एल्गो? जी जी, हम स्टूडेंट्स को खुद ही स्ट्रेटजी डेवलप करना सिखाते हैं कि कहाँ पे कैसे पैटर्न बने, फिर आप उसको जब लगता है स्टूडेंट को अब हमें एआई में जाना है तो स्टूडेंट उसमें जाता है। ओके, मार्केट में ना एक समय बहुत बड़ा बबल आया था क्रिप्टो करेंसी। जी अभी भी इधर उधर आप देखो यूट्यूब पे एड्स आते रहते हैं क्रिप्टो के। जी ऑल दो मुझे आज तक क्रिप्टो समझ में नहीं आया फ्रेंकली डिलीवर, और लगता है कि जिसने पैसा डाल भी रखा है वो भी इंडिया में तो एटलीस्ट डूब ही रहा है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जरा थोड़ा ज्ञान बताएं। देखिए जैसे मैंने बताया कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है ना तो उसके पीछे बहुत सारे स्कैम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्रिप्टो जैसे चला, क्रिप्टो में सबसे बड़ा कॉइन था बिटकॉइन, बिटकॉइन उसकी आज भी वैल्यू अच्छी है। ठीक है, पर लेकिन उसका यूज क्या है? मैं इंडिया में उसको बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, तो क्या फायदा? नहीं, खरीद बेच सकते हो इंडिया में, लेकिन इंडिया में उस पर टैक्सेस ज्यादा डाल दिया, आपको 30% का टैक्सेस उन्होंने डाल दिया। तो पहले जो नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ट्रेडिंग होती थी, लेकिन जब जैसे क्रिप्टो करेंसी का एक वेव आया था तो उसके पीछे पैरेलल में इतने सारे कॉइन्स आ गए थे, तो वो सारे स्कैम कुछ ग्रुप्स ने, अगर आप न्यूज़पेपर और वेबसाइट सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आए, क्योंकि लोगों को जैसे आपने बताया कि लोगों को सस्ता खरीदने की आदत है कि ठीक है उन्होंने ये $1 का कॉइन है, $2 का कॉइन है, उन्होंने कि ये भी लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन जैसे बन जाए, लेकिन उन सबके साथ स्कैम हो गया। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन आज आपको ऑलमोस्ट $70,000 ट्रेड कर रहा होगा, दैट मीन्स सिंगल बिटकॉइन 50-60 लाख के आसपास एक बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, वो हम लोगों को महंगा लगता है, लेकिन उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, वो चीज काम करेगी। मैं स्टूडेंट्स मेरे पास क्रिप्टो सीखने भी आते हैं तो मैंने उन्हें बताया था आपको ट्रेड करना है बिटकॉइन करो, बिटकॉइन में लेवल अच्छे काम करते हैं और बिटकॉइन के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे कॉइन्स थे जहां पर कोई वॉल्यूम नहीं था, कोई लिक्विडिटी नहीं थी, वो एक स्कैम के लिए आए और स्कैम करके निकल गए। ऐसे ऐसे कॉइन्स की वजह से इंडिया में हजारों करोड़ के स्कैम हुए। ओके, मेरे पास ना मैंने अपने शो से पहले अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट डाला था कि भाई मैं स्टॉक एक्सपर्ट के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ और किसी कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे भेजो। जी, तो उनमें से एक अनुपमा प्रकाश जी का एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास। वो पूछती है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड हाउ टू ऑब्जर्व मार्केट फॉर सेम। चलो एक छोटा सा मैं इंट्राडे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। जनरली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली इंट्राडे, तो एक ट्रेडर की मेंटेलिटी क्या होती है, एक रिटेल ट्रेडर की जो एक्सपर्ट नहीं है, सपोज आज मार्केट 200 पॉइंट्स डाउन तो अप है, ठीक है, निफ्टी 200 पॉइंट्स अप है, लेकिन कोई स्टॉक है वो नेगेटिव में है, दैट मीन्स वो मार्केट से कंपैरेटिवली वीक है, तो उनको लगता है जब मार्केट ऊपर है और ये स्टॉक नीचे है तो हम इसको बाय करते हैं क्योंकि ये भी ऊपर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज जो स्टॉक पहले ही अंडर परफॉर्म, ऊपर आने वाली मार्केट में भी ऊपर नहीं है, तो वो मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे हुई वो उससे ज्यादा नीचे जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप अपने ट्रेडिंग ऐप पे हीट मैप होता है, आपको देखना है आज मार्केट ऊपर है तो कौन से सेक्टर की वजह से ऊपर है, सपोज आईटी सेक्टर है, बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से ऊपर है, फार्मा स्टॉक्स की वजह से ऊपर है, तो आपको जब अगर तेजी मार्केट में खरीदना है तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आप खरीदिए। मार्केट अगर आपको नीचे मंदी लगती है, आपको बेचना है, शॉर्ट सेलिंग करनी है, बेच के कमाना है, तो वीक सेक्टर के वीक शेयर्स को सेल कीजिए। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसी ने पूछा है, ये कोई आरती जी है, ये पूछती है कि हर दिन जब मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता चले कि कौन सी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, कौन सी इन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जो सेक्टर की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड। जी जी जी, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड का मींस दैट मींस आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने हैं तो आपको वही मैंने बताया जो सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, जो सेक्टर पता कैसे चले कौन सा सेक्टर परफॉर्म। आजकल तो सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप में आ गए, हीट मैप आते हैं आपको, पहले आप क्लिक करेंगे जैसे कि आज सपोज मार्केट में इतने पॉइंट का गेन है तो लीडिंग सेक्टर कौन सा, आईटी की वजह से गेन है, फार्मा की वजह से गेन है या एफएमसीजी की वजह से गेन है। अच्छा, मार्केट वीक है तो कौन से सेक्टर की वीक है, तो जिस दिन मार्केट में गेन मिला है जिन सेक्टर की वजह से मिला है, मतलब ऑब्वियसली उनके शेयर्स बढ़े हैं। जी, जब बढ़े हैं तो फिर तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, मार्केट आपको दो चीजें देखनी होगी, मार्केट में स्कोप है बढ़ने का, ठीक है, मार्केट आज सपोज बढ़ी आपको और भी बढ़ती हुई लग रही है, ठीक है, दैट मीन्स आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ट्रेड क्यों कर रहे हैं, बाय करोगे आपको ये लग रहा है कि ये बढ़ेगा ऊपर जाने के लिए, दैट मीन्स मार्केट भी बढ़ेगी,
मार्केट बढ़ेगी तो जो स्टॉक ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं, वही, क्योंकि स्टॉक्स की वजह से ही मार्केट बढ़ती है। मार्केट कोई सिंगल चीज नहीं है, निफ्टी या सेंसेक्स सिंगल नहीं है, निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स में से 30 बढ़े हुए हैं, दैट मीन्स वही मार्केट को सपोर्ट देंगे, वो बढ़ते रहेंगे तभी निफ्टी। जो 20 नहीं बढ़े, वो बढ़ी हुई मार्केट में भी नहीं बढ़े हुए तो कैसे बढ़ेंगे? तो जनरली जो लेमन की सोच क्या होती है कि भाई मैं देखूं कि आज मेरे कौन कौन से स्टॉक्स गिरे हैं जी। अब उसमें मान लो मुझे कोल इंडिया दिख रहा है, गेल दिख रहा है, मुझे अदानी दिख रहा है, रिलायंस दिख रहा है, कोका कोला दिख रहा है जी, जो बड़े बड़े ब्रांड में दिख रहे हैं कि आज इनका स्टॉक थोड़ा गिरा है, तो एक कॉमन माइंडसेट होता है कि यार ना इनके खरीद लो क्योंकि ये तो वापस ऊपर चले जाएंगे जी। तो ये मिथ है, मतलब ये मिथ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं तो जब कभी भी, जैसे आपने बताया ज्यादातर लोग छोटा स्टॉक खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अब जब कभी भी मार्केट चलती है, सब कुछ लोग, यस बैंक आपने सुना होगा, यस बैंक कभी 400 रुपए का स्टॉक होता था, आजकल 24 रुपीस के आसपास है, और बहुत से इन्वेस्टर ऐसे वो सालों से यस बैंक खरीदे जा रहे हैं, उनको लगता है कि मार्केट चल रही है ये भी चलेगा। ठीक है, मार्केट का मतलब निफ्टी, सपोज निफ्टी कोविड से पहले 15,000 होती थी, कोविड में 8,000 भी आ गई थी, वो वहां से 24,000 आ चुकी है, लेकिन वो 400 रुपए वाला स्टॉक तो 24 रुपए है। आपने वो सस्ते के चक्कर में क्या कर रहे हो, पैसा गवा रहे हो। लेकिन जो उस टाइम स्टॉक नहीं गिरे थे, जो उस टाइम स्टॉक सस्टेन कर गए थे, आपको ये लगा यार ये तो गिरे ही नहीं, मार्केट गिर गई, आपने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया, वही आज ऊपर है। ऐसे ही स्टॉक्स ऊपर है। तो दैट मींस अगर मेरे पास कोई शेयर है और वो काफी टाइम से नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो बढ़ेगा तब मैं उसको बेचूंगा, मुझे उसको बेच के दूसरे खरीद लेने चाहिए। जी जी जी, देखिए पैसा क्या होता है ना, पैसा स्विच आपको करना, बड़े जो बड़े फंड हाउसेस है वो क्या करते हैं, वो पैसा स्विच करते हैं। ठीक है, कोई कंपनी अगर आपके, दैट मीन आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप कंपनी में ओनर हो, दैट और कोई कंपनी आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रही, हम क्या करते हैं, या तो बिजनेस वाइंड अप करके दूसरा बिजनेस करते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में उससे पैसा निकाल के हम दूसरे में स्विच करेंगे। जैसे रिसेंटली अभी पेटीएम में होगा, पेटीएम में वॉरेन बफे साहब ने 500 CR का लॉस किया, 500 करोड़ का लॉस किया उन्होंने। ठीक है, वो 900 के आसपास उन्होंने एग्जिट किया था, आज पेटीएम 400 के आसपास है। वो वहां से लॉस बुक करके किसी दूसरे कंपनी में स्विच नहीं करते, तो उनका वो 500 CR का लॉस आज ऑलमोस्ट 800 CR का हो जाता है। तो आपको स्विच करना आना चाहिए, स्विच नहीं करना आएगा तो, जैसे मैंने बताया जी, 2008 से जो मैंने बताया, कुछ कंपनीज आज तक मार्केट में रिकवर नहीं कर पाई है, वो कुछ कंपनीज वहां से चली भी गई है। तो मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं लॉस बुक भी करना आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे जी, अब वो कंपनी अचानक से बंद हो जाती है जी, होता है आजकल तो कुछ कंपनी, तो उस कंपनी के शेयर्स का क्या होता है, लोगों के पैसे पूरे डूब गए? डूब जाते हैं बहुत सारे कंपनीज के। अब जैसे आप यही एग्जांपल लीजिए, 2008 में आरकॉम का स्टॉक भाव 800 रुपए होता था, आज शायद 2 रुपए के आसपास है। ऐसे ही कुछ जेपी ग्रुप के शेयर्स है, एडूकॉम, पंजलॉइड, ये उस टाइम की टॉप कंपनीज होती थी जो ट्रेडर्स की फेवरेट होती थी। सुजलोन इवन जो आजकल पॉपुलर है 40 रुपए होने के बाद, ये 2008 में 400 रुपीस होता था, आज भी 40 रुपए 16 साल के बावजूद। तो दैट मींस आपने पैसा बनाया नहीं, 16 साल पेशेंस भी रखा और आपका पैसा रिकवर भी नहीं हुआ, रिटर्न तो दूर की बात है, आपका पैसा खुद जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था वहां तक भी नहीं हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 5 ऐसे स्टॉक बताओ जिनमें अभी आज की डेट में इन्वेस्ट करना जी, कम अमाउंट लेकिन गारंटी है कि आज से 3 महीना रिटर्न मिलेगा। अमाउंट देखिए, हमारे एक और मिथ है स्टॉक मार्केट में कि हम सोचते हैं कि जो स्टॉक सस्ता है, सस्ते से हमें लगता है कि ये कंपनी अभी परफॉर्म करेगी। सपोज कोई स्टॉक आपको लगता है 50 रुपए और एक स्टॉक में बोलता हूँ 2,000 रुपए, तो 90% लोग 50 रुपए वाले पे एग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि 50 रुपए वाला जल्दी मल्टीप्लाई होगा और दूसरी की खतरा कम है, खतरा कम, और 2,000 रुपए वाला नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, स्टॉक की जो कंपनी की वैल्यूएशन होती है ना, नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं, सपोज 50 रुपए वाले के स्टॉक 1 करोड़ शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और 2,000 रुपए वाले के शेयर 10 लाख है, तो वैल्यूएशन किसकी ज्यादा हुई? 50 रुपए वाले की। तो जितनी बड़ी वैल्यूएशन उतना ही मल्टीप्लाई में टाइम होने में लगेगा, जितनी कम वैल्यूएशन है और अंडर परफॉर्म कर रहा है उतना ही मल्टीप्लाई ज्यादा होगा। अब बड़े स्टॉक जैसे आजकल हम MRF का देखते हैं, MRF का स्टॉक 1 लाख से ऊपर का निकल गया, सिंगल स्टॉक। अच्छा, तो उसमें भी पैसा मल्टीप्लाई हुआ है। अब बहुत से ट्रेडर उसको नहीं खरीदते, क्यों? क्योंकि वो महंगा लगता है और वो कंटिन्यू रिटर्न दिए जा रहा है।
लेकिन हम सबसे पहले सस्ता खरीदते हैं, येस बैंक खरीदते हैं, सुजलोन खरीदते हैं, इस तरह के स्टॉक खरीदते हैं तो रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपको सस्ता महंगा नहीं देखना, सबसे पहली बात आपको देखना कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी की मैनेजमेंट। जैसे टाटा ग्रुप का आपने नाम लिया, ठीक है, टाटा ग्रुप के भी कुछ स्टॉक सस्ते हैं, आपको लगेगा ये 200 रुपए का स्टॉक है, टाटा स्टील का एग्जांपल ले लीजिए, 180 का स्टॉक है, ठीक है, टीसीएस 4000 का स्टॉक है। तो ऐसा नहीं है कि वो टाटा स्टील आप 180 में लो वो जल्दी ही 4000 हो जाएगा, और 4000 वाला तो वहीं घूमना है। तो जैसे बजाज फाइनेंस 1000 रुपए का स्टॉक होता था, अभी 8000 का हो गया, 10000 तक भी गया था, तो पैसा तो वहां भी मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन टाटा स्टील वो 100 रुपए से अभी भी 180 है, वो डबल भी नहीं हुआ। तो सेक्टर का देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्टर का, कंपनी के फंडामेंटल की कंपनी अंडर वैल्यू है, कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, कंपैरिजन करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट में। सपोज कि मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, ये कंपनी क्वार्टरली इतना पैसा बनाती है और सेम कंपनी इतना पैसा बनाती है, तो उस कंपनी की वैल्यू 1,00,000 करोड़ है, एक कंपनी की वैल्यू 60,000 करोड़ है, और इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट मीन 60,000 वाली 1,00,000 के आसपास आ सकती है, वहां पे आपको 40-50% का रिटर्न मिल जाएगा, और ये भी ग्रो करेगी, तो ये भी ग्रो करेगी क्योंकि पैसा दोनों बना रहे हैं। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं स्टोरी बहुत बताता हूँ व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ये नोटिस कीजिए किस कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है। आप बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते, ठीक है, आपको नहीं पता आईटी कंपनी क्या कमाती है, क्या प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी नजरों के सामने जो कंपनीज है वो तो आपको पता है कि ये। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए, 5 साल पहले या 10 साल पहले का एग्जांपल लेते हैं, मारुति का एग्जांपल, मारुति लीड करती थी गाड़ियों में, आज सेनेरियो सेम वो है नहीं है, आज टाटा महिंद्रा आगे निकल गई मारुति से, मारुति का स्टॉक 2016 में 10,000 रुपए के आसपास था, आज वो आफ्टर 8 ईयर्स भी वो 12,000 के आसपास है, 8 साल में सिर्फ 20% के आसपास का रिटर्न। लेकिन M&M जो 400 से 500 रुपए का स्टॉक होता था वो 3,000 का स्टॉक हो गया, क्यों? क्योंकि अब पिछले 5 साल में हिस्ट्री देखिए, M&M जो गाड़ी लॉन्च करता है सुपर हिट होती है, XUV 700 आप लगाओ, उसके बाद स्कॉर्पियो लगाओ, थार लगाओ। अभी रिसेंटली मैंने अपने इन्वेस्टर को बताया था, जिस दिन इन्होंने M&M 3XO लॉन्च किया, 50,000 गाड़ी की बुकिंग आया सेम डे, हमने 2200 पे की ये स्टॉक अभी उठाने के लिए बनता है, वो विद इन ए मंथ 3,000 का शेयर हो गया, लेकिन मारुति वहीं घूम रहा है, ठीक है। टाटा ग्रुप का, टाटा मोटर्स का शेयर कभी नहीं चलता था, ठीक है, 400 रुपए से कोविड में 70 रुपए तक आ गया, लेकिन टाटा ने जब अच्छी गाड़ी लॉन्च स्टार्ट किया, हरियर लेके आए, सफारी लेके आए, उसके बाद फिर इन्होंने ईवी में लीड लिया, ईवी सबसे ज्यादा टाटा की बिकती है, तो वो 70 रुपए, जैसे ही कंपनी का माल बिकना स्टार्ट हुआ तो स्टॉक ऑटोमेटिकली 70 रुपए से आज 1,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो राइट टाइम पर आपने मारुति से पैसा निकाल के आपको लगा कि टाटा अच्छा काम कर रहा, स्विच कर दिया, तो वहां पे आपका पैसा मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन आप स्टक रहते मारुति पे तो आपका पैसा नहीं ग्रो होता। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है आप ये देखिए किसका। अब हम ब्रेड लेते हैं, ठीक है, आपके माइंड में कौन से कंपनी आएगी? हार्वेस्ट, ब्रिटानिया, ठीक है, तो ब्रिटानिया हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ब्रिटानिया हम बचपन से, वो सिंगल ब्रांड है, तो ऐसी कंपनी FMCG की है, वो जब भी ब्रिटानिया में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लो, सबसे बड़ा शेयर है उसका, ठीक है। ऐसे ही पेंट में हम लेते हैं, एडेसिव में, एशियन पेंट, एडेसिव में हम बचपन से फेविकोल की ऐड देखते आ रहे हैं, फेविकोल का स्टॉक 200 रुपए से 3,000 रुपए हो चुका है, और हमें खुद पता है ये चीजें मार्केट में लीडर है। जब लीडर है दैट मीन्स उनका कंपनी का जो ब्रांड है, उनका जो भी स्टॉक है लाइन लगा के बिक रहा है, तो पैसा बना रही है, तो स्टॉक भी बढ़ेगा। तो अगर इस माइंड सेट से आप खरीदेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। मेरे हिसाब से टीवी बहुत देखनी चाहिए, जिसके ऐड खूब आ रहे, लग रहा है ये प्रोडक्ट खूब उसके स्टॉक्स खरीद लेने चाहिए। ये अगर उसको इस चीज से ऐसे रिलेट करोगे तो डेफिनेटली पैसा। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि फेविकॉल के ऐड देखते हैं, पता क्या फेविकॉल का कुछ है नहीं। हाँ, या एक चीज करना चाहिए, घर के कमरे में बैठ जाना चाहिए, एक दिन लिविंग रूम में बैठ गए, देखो क्या क्या सामान रखा है अभी, और हर सामान का कौन सा लीडिंग। अभी सबसे ज्यादा एक ऐड आती थी इंडिया में, क्या चल रहा है, फोग, फोग, हाँ। फोग चल रहा है, तो उसका जो कंपनी है मैनकाइंड है, ठीक है, मैनकाइंड का आईपीओ आया था 1,000 रुपए के अराउंड, तो मैंने तब भी कहा मैनकाइंड, क्योंकि वो कंपनी इतना एग्रेसिवली काम कर रही है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बनता है, हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो स्टॉक अभी 2200 के आसपास, हां वो भी प्रोडक्ट था जी, तो बढ़ नहीं थे शेयर तो। हाँ, तो
नहीं आपने बड़ा सा टिप दिया, मतलब मैं ही देखूंगा घर में कौन सा सामान है। हाँ, तो मैं एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं मैंने नया घर बनाया है, तो 2 साल पहले 3 साल पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो स्टील प्राइस बहुत हाइक हो गए। जो स्टील प्राइस 50-45 का था वो 70 का हो गया मार्केट में। तो दैट मीन्स हम तो वो 20 रुपए देख रहे हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज देखोगे तो 40% का हाइक हुआ। और जिन कंपनीज के पास स्टील होगा तो उन कंपनी का कितना बेनिफिट होगा। तो मैंने तुरंत क्या किया, स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। आपने इन्वेस्टर को भी बताया कि स्टील सेक्टर पकड़ लो। स्टील सेक्टर, जिंदल स्टील है हमारे पास, JSW स्टील है, टाटा स्टील है, ये सारे स्टॉक मल्टीप्लाई हुए विद इन ईयर 3 times 4 times। क्योंकि वहां पे जब इनका माल 70 रुपए है तो नेक्स्ट क्वार्टर में इनके रिजल्ट अच्छे आने लगे, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। जो 40 रुपए पे इन्होंने स्टॉक किया हुआ था चीज, वो इनका 70 में बिकने लगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेंगे। तो मेरे मकान में जितने का लोहा नहीं लगा, जितना कमा लिया उतना मैंने स्टॉक से निकाल लिया। सेम ऐसे ही मैंने किया था उस टाइम पे वायर्स में। कॉपर के भाव बढ़ गए थे मार्केट में, तो वायर्स में कॉपर यूज होता है। तो मेरे को वायर का, मेरे को ब्रांडिंग था मैं कि पॉली कैप की वायर लगा। पॉली कैप उस टाइम पे 2000 रुपए के आसपास, 1800-2000 रुपए के आसपास ट्रेड होता था। जितने का वायर लगाना था उससे कहीं ज्यादा का पॉली कैप में इन्वेस्ट। आज पॉली कैप की वैल्यू शायद 7000 के आसपास है। सही। तो आप ने चीज दिमाग में आ रहा है, आजकल लोग व्हाइट शुगर से बहुत बच रहे हैं। इतने सारे रील्स आते हैं ना हेल्थ रिलेटेड, मैं खुद भी मतलब व्हाइट शुगर बंद है। हम क्या यूज करते हैं आजकल ना, वो आजकल देसी खांड बहुत चल रही है, आपको हरियाणा में तो बहुत फेमस है। तो आजकल लोग खांड की तरफ भाग रहे हैं जी। मतलब मैं अपने सर्किल में इतना वो देखता हूँ, सब आजकल नहीं व्हाइट शुगर नहीं, खांड खाएंगे जी। तो खांड आती है जागरूक की, आती है मवाना की भी आती है। तो मेरे ख्याल खांड में पैसा डालना सही रहेगा। खांड में पैसा, शुगर स्टॉक्स की आप बात कर रहे हो, शुगर स्टॉक्स में भी पैसा बना। शुगर स्टॉक्स में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने एथेनॉल पे बड़ा फोकस किया। ठीक है कि एथेनॉल से हम आने वाले 5 साल में एथेनॉल पे गाड़ियां लेके आएंगे, पेट्रोल डीजल पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो। तो एथेनॉल बनता है शुगर से। तो जैसे ही न्यूज आई शुगर स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है, आपको कनेक्ट रहना पड़ता है। अब हम ईवी की तो बातें कर रहे हैं, 5 साल हमें भी पता आने वाला टाइम ईवी का है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा अपडेट रहो इन चीजों में, देखिए आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है कि ईवी में कौन कौन सी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की टाटा मोटर्स ने ईवी गाड़ियां, फिर टाटा पावर उन्होंने की ये चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, उसके बाद एक्साइड, गाड़ियों में बैटरी तो लगनी है तो ईवी की बैटरी के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। एक्साइड का स्टॉक जो 100-150 रुपए के आसपास ट्रेड होता था, हमने सभी को रिकमेंड किया एक्साइड में इन्वेस्टमेंट करो, ईवी का टाइम है। एक्साइड का स्टॉक आज नियर अबाउट 600 का हो गया विद इन 2 ईयर्स, तो और बढ़ेगा फिर और भी। तो ये चीजें हमें पता है, आज ही खरीदो पैसे। ये चीजें हमें पता आने वाला टाइम के, और जिस चीज का आने वाला टाइम है उस टाइम पे आने के बाद आपको वो स्टॉक, फिर आपको लगेगा यार अब तो हाथ से काफी कुछ निकल चुका है। तो आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है, चीजों को ऑब्जर्व करो और राइट टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करो। सही कहा, सीरियसली मतलब ये आपकी बात सुनकर मतलब बहुत कुछ आइडियाज आ गए मेरे दिमाग में। तो शो को हम खत्म करें इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को कोई लास्ट 3 टिप्स दें जो उनको ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में हेल्प करें। ठीक है, मैं सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को टिप देना चाहूंगा, जो लोग फ्यूचर प्लानिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, तो आपको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है आपको उनमें से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको कंपनी के प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, कंपनी करती क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग किसी की भी सुन के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते, उन्हें पता ही नहीं कि कंपनी करती क्या है। प्रोडक्ट कंपनी का समझो, कंपनी का एटलीस्ट आप किसी भी वेबसाइट पे उसको ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली उसके रिजल्ट ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि कंपनी हर 3 महीने में अपने फाइनेंशियल शो करती है कि पिछले 3 महीने में कंपनी ने क्या कमाया था, उसके बाद क्या किया, कंपनी पे कितना कर्ज है, कंपनी के पास कितना कैश है, और कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। कोई मैनेजमेंट ऐसी तो नहीं है कि कहीं दूसरी जगह स्कैम करके आए थे, अब इस कंपनी में है तो वो यहाँ पे भी स्कैम ही करेंगे। ये अगर 4 से 5 पॉइंट आप देख लोगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप भी अच्छा पैसा बनाओगे। ट्रेडर्स को मेरी टिप है कि आप सबसे पहली बात, आप कम कैपिटल से बहुत बड़ी कैपिटल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेड ना लें,
रिस्क मैनेजमेंट समझे, ट्रेड मैनेजमेंट समझे, साइकोलॉजी समझे, उसके बाद प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करें। ठीक है, प्रॉफिट लॉस को जैसे परसेंटेज में सोचना स्टार्ट कर देंगे, सपोज मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, 5 लाख का अगर मैं महीने में सोचूं 10% कमाने, तो 50,000 वो कहीं ना कहीं अचीवेबल है। लेकिन अगर मैं सोचूं मेरे को डेली का 50,000 कमाना है, तो आप महीने में पैसा डबल करने की सोचेंगे, तो यहाँ पे भी वो फिर हेरा फेरी वाला सीन हो जाएगा, आपकी कैपिटल चली जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फोकस जरूर कीजिए। थैंक यू रविंद्र सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, मेरे ख्याल में मुझे भी गुरुकुल ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि इस चीज़ में मैं बड़ा कच्चा हूँ। तो मैं अपने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगा आपकी वेबसाइट की, तो आप सर को फॉलो कर सकते हैं, गुरुकुल में आप एडवाइजरी भी ले सकते हैं, आप उनके स्टॉक्स भी समझ सकते हैं। और जनरली मैं यंगस्टर्स को बोलूँगा, ये मिस्टेक मैं कर चुका हूँ, बट एज के बाद आके मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया, बट फॉर यंगस्टर्स अगर आप 24-25 साल के और जॉब लग गई है ना, तो भाई महीने के 5,000 रुपये ना आपको ट्रेडिंग जरूर करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग है। जो लोग अपनी जॉब पे हैं, टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। या तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है, तो आप ETF लो, निफ्टी 20 होता है जिसमें हम निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट आप 5,000 रुपये महीने का SIP जरूर डालो। मैं बोलता हूँ आपको एटलीस्ट जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 20% सेव नहीं, इन्वेस्ट करना है। सेव डिफरेंट पार्ट है, इन्वेस्ट डिफरेंट पार्ट है। आप अगर वो हैबिट डाल लोगे तो आप देखिए, अगर आज के टाइम में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आज कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, और वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो कुछ टाइम के लिए उसका लाइफस्टाइल अच्छा लगेगा, लेकिन आज आप सिर्फ 50,000 रुपए कमा रहे हैं, उसका 20% 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, 20 से 25 साल के बाद आप 2 लाख रुपए महीने कमाने वाले से कहीं फार आगे खड़े हैं। क्योंकि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग का अगर मैजिक समझ गए तो लॉन्ग रन में आप मार नहीं खाओगे। और जो हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम है, उसको इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक अगर किसी फैमिली को अपनी क्लास बढ़ानी है, सपोज लोअर क्लास से मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से अपर क्लास में आना है और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, वो आपकी क्लास खुद ब खुद अपग्रेड। म्यूचुअल फंड जो है जी, वो बेटर है। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट जो आप बोलते हो, तो म्यूचुअल फंड भी है ना? जी, म्यूचुअल फंड में देखिए, म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेज, एक फंड मैनेजर कर रहा है प्रॉपर, तो वहाँ पे भी आपका फंड, वहाँ पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी आप इक्विटी में डाल रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको डालना है, आप 10 साल 20 साल 30 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इक्विटी फंड्स में डालिए। लॉन्ग टर्म में इक्विटी फार सुपीरियर है किसी भी अदर एसेट से, गोल्ड से, सिल्वर से, प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से, सबसे इक्विटी फार सुपीरियर है। 5 से 10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट, आपको यकीन नहीं होगा कि 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने आज रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर ली, किसी भी यंगस्टर की जॉब लगी और वो उसको 30 साल तक भी कंटिन्यू कर गया, वो वहाँ पे उसका 15 से 20 CR की वैल्यू बन जाएगी। ये सबसे बड़ी गलती यंगस्टर्स करते हैं, नहीं करते। यंगस्टर आज का यंगस्टर्स फोन्स पे, बाइक्स पे इतना पैसा वेस्ट कर देता, लेकिन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने बताया था एक्सपीरियंस से सीखोगे तो आपको जल्दी नॉलेज मिल जाएगी, अगर यही बात आप 20 साल के बाद रियलाइज करोगे तो टाइम हाथ से निकल जाएगा। तो आज 5 से 10 हज़ार रुपये की वैल्यू नहीं है, लेकिन 20 साल के बाद 20 करोड़ की वैल्यू होगी। बहुत होगी। सर जी बताइए, अभी न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है कि सरकार बाहर से बहुत सारा गोल्ड खरीद रही है, अपना गोल्ड वापस लेके आ रहे हैं जी। और उस न्यूज़ के बाद से मैं देख रहा हूँ गोल्ड जो 44, 45, 48 पे था, 74 पे है, तो ये फर्दर इंक्रीज जाएगा? देखिए, गोल्ड हमने देखा है बचपन से ही, लॉन्ग टर्म में जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर आती है, गोल्ड भी प्रीसियस मेटल है, गोल्ड भी ऊपर ही जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ की जब लिमिटेड सप्लाई हो ना और डिमांड ज़्यादा हो तो वो ऊपर जाती है। जैसे कुछ टाइम पहले तक गोल्ड की इतनी डिमांड नहीं थी, गोल्ड के भाव उसी के आसपास वो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गोल्ड की डिमांड आई, सपोज इंडियन गवर्नमेंट की आई, चाइना गवर्नमेंट की आई, या रिटेल ट्रेडर्स की भी आई, तो गोल्ड ने स्पाइक दिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं गोल्ड के लिए, जैसे अनसर्टेनिटी होती है, एक रीज़न ये भी था अनसर्टेनिटी, जैसे हमने पीछे देखा रशिया यूक्रेन वॉर वहाँ पे हुआ, उसके बाद हमने देखा अभी रिसेंटली इजराइल और फिलिस्तीन वॉर। तो जब वर्ल्ड वाइड में कभी भी अनसर्टेनिटी होती है, तो बड़े लोग अपना पैसा सेफ प्रीसियस मेटल्स, पेंटिंग्स, इन सब चीज़ों में डालना स्टार्ट कर देते हैं, और डिमांड किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो प्राइस भी शूट अप कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें ये एक ही सर्टेन टाइम पे हुई, कुछ कंट्रीज़ की डिमांड आई, अनसर्टेनिटी हुई, तो गोल्ड में एक स्पाइक आया।
गोल्ड भी अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है, लेकिन इक्विटी ने जो मैंने बताया CAGR 16-17% का है, तो गोल्ड का CAGR 12-13% का CAGR रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैंने बताया सिंगल परसेंटेज की वैल्यू होती है। अच्छा, ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे निफ्टी बैंक निफ्टी और ये सब चलते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग है। आपको एक आइडिया लेना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आपने उसमें एक लिमिटेड रिस्क के साथ ट्रेड करते हो, तो उसमें होता है कॉल और पुट। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उसमें स्ट्रेटजीज हम बहुत सारी होती हैं। मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने कॉल खरीदा, मार्केट नीचे जाएगी तो आपने पुट खरीदा। तो वो आजकल वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। सेबी ने भी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बार बोला कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, और थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था इसमें 99% लोग पैसा तोड़ते हैं, बिकॉज ये अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव, आप इसमें 500 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं, 1000 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं। और एक कहीं ना कहीं कभी कभी इसमें ऐसा होता है, कुछ लोग देखते होंगे जीरो हीरो ट्रेड, 10,000 रुपये का एक दिन में 10 लाख बन गया सिंगल डे। वो होता तो कभी कभी किसी के साथ है, लेकिन उसको देख के बहुत सारे लोग इसमें तो और 99% पैसा तोड़ के, क्योंकि अगर आपके फेवर में नहीं चली मार्केट तो आपका पैसा क्या जीरो हो जाएगा वहाँ। ठीक है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया उसकी तो वैल्यू है, 500 रुपये वाला 400 है, 300 है, 450 है, वैल्यू है, लेकिन इसमें आपके फेवर में नहीं गई तो जीरो, तो जीरो है। तो और बहुत सारे यंगस्टर इसी में ट्रेड कर रहे हैं। मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, दिल्ली से आते हैं कि सर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे आजकल लोग फेक इंस्टाग्राम पे प्रॉफिट का वीडियो डाल देते हैं कि मैं 50,000 से डेली 5,000 कमा रहा हूँ, लेकिन कोई इतना बड़ा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने वाला ट्रेडर नहीं है कि मंथली इतना बड़ा रिटर्न निकालता रहे। तो सभी यंगस्टर्स को मैं कहना चाहूँगा, आप जैसा मैंने बताया था पहले, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है आपको उसकी बारीकियाँ सीखनी होंगी, स्ट्रेटजी सीखनी होगी, पैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, और उसके बाद आपको मार्केट में एंट्री करना है। किसी दूसरे का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख के या इस तरह की वीडियोस देख के आप डायरेक्ट अपना पैसा खराब मत कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत हार्ड अर्न मनी है। स्किल आ गई तो आपको आप लाइफ टाइम पैसा कमा लेंगे, अगर स्किल नहीं है तो फिर जब तक स्किल डेवलप नहीं करते तो आप ट्रेडिंग में मत आओ। सर लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जी, जो लोग सक्सेसफुल ट्रेडिंग में उतरना चाहते हैं या इन्वेस्ट तो खैर लॉन्ग टर्म हो गया, पर जो ट्रेडिंग में पर्टिकुलरली उतरना चाहते हैं उसका सक्सेस मंत्र क्या है? वो मतलब कितने टाइम पीरियड में कह सकते हैं कि यार मैंने पैसा बना लिया है, मैं सक्सेसफुल हो गया? देखिए सक्सेस का पैमाना सिर्फ पैसे से नहीं, आपके पैशन से बनता है। ठीक है, आप पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए कितना पैशनेट हो। अब जैसे हम मैंने बताया मैं 2006 में ट्रेड करने लगा, हमारा 8 से 10 फ्रेंड का सर्कल था, मोस्टली सब जैसे मार्केट में फॉल आया सबको लॉस हुआ तो सब निकल गए, सब ने किसी ने बिजनेस किया, किसी ने जॉब स्टार्ट कर दी। तो मेरा स्टॉक मार्केट से एक पैशन बन चुका था कि इसको सीखना है, पैसा बनाऊंगा तो यहीं से बनाऊंगा। तो उसमें टाइम लगा, मैंने बताया 5 साल मेरे को लगा सीखने में, 2013 से लगा। लेकिन जैसे आजकल लोग काफ़ी सोच के आते हैं, सपोज हम भी कोर्सेज कराते हैं, मैं सिखाता भी हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर बोलता हूँ, ऐसा कोई भी कोर्स, मैजिकल कोर्स या कोई भी वर्ल्ड में ऐसा ट्रेडर नहीं है कि जो अपनी स्ट्रेटजी आपके माइंड में डाल देगा। आप कहीं पे हो सकता है आप 20,000 कर रहे हो, कहीं पे कुछ लोगों को लगता है महंगा कोर्स लेने से मैं जल्दी सीख जाऊंगा, कुछ लोग कहीं पे लाखों रुपए भी दे के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, +2 करनी होती है हमें, 12वीं करने तक हमें 14 साल स्कूल में जाना पड़ता है। ठीक है, 14 साल की पढ़ाई करने के बाद 50,000 की जॉब नहीं मिलती, 14 साल दिए मैंने उस पढ़ाई को, इवन ग्रेजुएशन भी करने के बाद भी नहीं मिलती, करने के बावजूद भी वो सक्सेस रेशियो नहीं है। और कुछ लोग जो ट्रेडर बनना चाहते हैं दूसरे की वीडियोस देख के उन्हें लगता है कि मैं कहीं ना कहीं 1 महीने 2 महीने का कोर्स ज्वाइन करूंगा, नेक्स्ट मंथ से मैं लाखों में अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा, और वो भी एक छोटी सी कैपिटल से। तो दैट मीन वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हो, चीज़ें टाइम लेती हैं, कुछ लोगों में नेचुरल जैसे मैंने बताया था होती हैं, कुछ चीज़ें डेवलप होने में टाइम लेती है स्किल, उसके बाद अगर आपका कंटिन्यू पैशन है उस चीज़ के लिए तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ मनी माइंडेड से आ रहे हो कि सिर्फ पैसा फैक्टर है आपके माइंड में, यार मेरे को स्टॉक मार्केट में कोर्स करना है और मेरे को पैसा कमाना है, हो सकता हो जल्दी ना मिले, लेकिन अगर उस चीज़ को पैशन बना के आ रहे हो तो वही है। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं जो लोग पैशन के साथ, हर कोई कोहली और सचिन तो बन नहीं सकता, लाखों करोड़ों लोग प्रैक्टिस करते हैं, अकेडमीज में जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर पैशन है
आजकल आपने देखा होगा वो एक छोटे से घर का लड़का भी बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। तो पैशन आपका मैटर करता है, तो पैशन अगर होगा तो सक्सेस जल्दी मिलेगी। बिल्कुल सही कहा, पैशन तो हर चीज में इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइफ मेन क्या है कि आप सिर्फ पैसे को मत रखो, जो काम करने में आपको मजा आता है ना, मैं हर किसी को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आती और ये काम करने में मजा नहीं आता, आप इसको छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड करो, कुछ भी करो, ट्रेडिंग मत करो। लेकिन जब एक चीज, एक काम करने में मजा आता है, सपोज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका चैनल, आपको ये चीज काम करने में इंटरेस्ट लगता है, तो मैटर नहीं करता सामने वाला आपसे ज्यादा कमा रहा है कम कमा रहा है। अगर मैं अपने काम को फील के साथ एंजॉय लेके कर रहा हूँ तो मेरे को अपना काम करने में मजा। बहुत सही बात किया, बहुत सही बात, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पैशन को फॉलो करना। जी, मेरा अपने उसमें यही रहा, कुछ लोगों ने कहा कि आपने पैसा कमा लिया, यहाँ पे ये बिजनेस स्टार्ट करो, यहाँ करो, मैंने कुछ बिजनेस स्टार्ट भी किए, पैसा भी कमाया वहां से, लेकिन मेरे को वहां से वो किक नहीं मिली जो किक मेरे को यहाँ मिलती है। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, 3:30 तक रहती है, जो किक मेरे को डेली मार्केट देख के होती है, वो किसी और बिजनेस से पैसा आ भी जाता है तो भी मेरे को वो किक नहीं मिलती। सही बात है, वो अपने पैशन में, आज वीकेंड है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 5 दिन जॉब भी करता हूँ, बुक्स भी लिखता हूँ जी, तो ये ना यहाँ के ना ये लाइट कैमरा चलते ना किक मिल जाती है, पूरे हफ्ते की एनर्जी रहती है जी, वही तो काम करने में मजा आना चाहिए, पैसा तो आता रहता है लेकिन अपने काम को मजे से करो, वो सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही बात है, सो थैंक यू सर, आपने यहाँ के इतनी इन्फॉर्मेशन दी, मेरे ख्याल में बहुत लाइवली शो रहा आज का, मतलब व्यूअर्स का तो पता नहीं पर मुझे बहुत ज्ञान मिला है। मैं आज जाके बहुत कुछ करने वाला हूँ बैठ के, एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन दिस शो।